दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ मी। आज है 16 जनवरी और आज का जो वीडियो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल पर है जो कि द हिंदू में आया है। तो इसे डिस्कस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वैक्सीनेशन से रिलेटेड है जो हम सभी को मिलना है। तो आज इसकी शुरुआत हो गई है 16 जनवरी को, जो हमारे पीएम ने लॉन्च की है। तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है जो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये जो वैक्सीन हमें मिलना है इसके बारे में जो ये आर्टिकल है इसमें क्या क्या जो फैक्ट्स हैं, या किन किन को ये वैक्सीन मिलना है और किन किन को वैक्सीनेशन ये नहीं मिलना है या नहीं अभी डोज उन्हें दिया जाएगा, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज द हिंदू में ये आर्टिकल आया है। तो इसे डिस्कस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो बिना किसी देरी के ये आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं और जानते हैं एक चीज़ के बारे में। तो हेडिंग है वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम बिगिंस टुडे, यानी आज 16 जनवरी 2021 को ये वैक्सीनेशन, वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है ये आज शुरू हो गया है। पीएम टू लॉन्च ड्राइव, मोर देन 3 लाख टू गेट जैब ऑन फर्स्ट डे, और इस फर्स्ट डे में 3 लाख लोगों को वैक्सीनेशन देने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं डिस्कस करूँगा कि किन किन को वैक्सीनेशन नहीं दिया जाएगा अभी। तो इसमें आ जाते हैं दोज एज्ड 18 और बिलो, वैसे लोग जो 18 वर्ष के हैं और या फिर 18 वर्ष से नीचे के हैं उनको ये वैक्सीन अभी नहीं दिया जाएगा। दूसरा बोला जा रहा है प्रेग्नेंट एंड लैक्टिक वुमेन, जो गर्भवती महिला है और वैसी महिला जो जिनके छोटे बच्चे हैं जो अभी उनका दूध पीते हैं वैसी महिला को अभी ये वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो बोला जा रहा है पीपुल विथ हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक रिएक्शन टू कोविड-19 वैक्सीन, वैसे लोग जिनको कोविड-19 वैक्सीन से एलर्जी होती है या फिर किसी एलर्जी हिस्ट्री रही है उनकी, उनको ये वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। और तो वैक्सीन इन जनरल और इंजेक्टेबल थेरेपीज, वैसे लोग जो इंजेक्टेबल थेरेपीज हैं जो थेरेपी वगैरह लेते हैं वैसे लोगों को नहीं दिया जाएगा। फार्मेटिकल प्रोडक्ट्स एंड फूड आइटम जो भी लेते हैं इनको अभी वैक्सीन नहीं दिया जाएगा। तो वैक्सीन किनको दिया जाना है ये भी है कि हु आर परमिटेड, किनको ये परमिशन मिली है। तो अपार्ट फ्रॉम द जनरल पॉपुलेशन, और ये भी जानना है कि इसमें जनरल पॉपुलेशन को अभी वैक्सीन नहीं दिया जाना है। तो दोज विथ अ हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक डिजीज एंड कोमॉर्बिडिटीज, वैसे लोग जिनको क्रॉनिक डिजीज वगैरह है उनको ये वैक्सीनेशन देने का कोशिश किया जाएगा, और कोमॉर्बिडिटीज जो है जिनको डिजीज है पुराना तो उनको वैक्सीनेशन देने की पहल की जा रही है। या फिर पीपल हु हैव इम्यूनोडेफिशिएंसी, जिनका इम्यूनिटी पावर कम है या फिर इम्यूनोडेफिशिएंसी है कम है, या फिर जिनको एचआईवी है, एचआईवी एड्स है, ठीक है, और पेशेंट्स ऑन इम्यूनो सस्पेंशन ड्रग्स, ठीक है, जो इम्यूनो सस्पेंशन ड्रग्स वगैरह लेते हैं वैसे पर्सन को ये वैक्सीन दिया जाना है। क्या बोला जा रहा है देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल फ्लैग ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ द नेशन वाइड कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव एट 10:30 AM ऑन सैटरडे ड्यूरिंग ए वीडियो कॉन्फ्रेंस। सैटरडे को सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने कोविड-19 वैक्सीन यानी आज सुबह अनाउंस किया कि नेशन वाइड ये वैक्सीन दिया जाएगा, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने अनाउंस किया, लॉन्च किया इसे। द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम विल बिगिन एट ए टोटल 3,006 सेशन साइट्स अक्रॉस ऑल द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरेटरीज। 3,006 सेशन साइट्स डिसाइड किए गए हैं स्टेट और यूनियन टेरेटरीज में, विच विल बी कनेक्टेड वर्चुअली थ्रू आउट द एक्सरसाइज। नियरली 100 बेनिफिशरी विल रिसीव द वैक्सीन एट ईच ऑफ द सेशन साइट्स ऑन सैटरडे, और हर साइट में ये जो 3,006 सेशन साइट्स जो डिसाइड किए गए हैं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, हर साइट में ये टारगेट रखा गया है कि 1,000 बेनिफिशियरीज को उसमें वैक्सीन दिया जाना है। यानी टोटल हम अगर देखेंगे तो लगभग 3 लाख वैक्सीनेशन आज देने का टारगेट रखा गया है, ठीक है। डेडिकेटेड कॉल सेंटर, ए डेडिकेटेड 24/7 कॉल सेंटर जिसका नंबर है 1075 1075 हैज बीन सेट अप टू एड्रेस क्वेरीज रिलेटेड टू द पेंडेमिक एंड द वैक्सीन रोल आउट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सेड इन ए स्टेटमेंट।
प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से स्टेटमेंट भी दिया गया है। तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये स्टेटमेंट भी दिया गया है कि ये डेडिकेटेड 24/7 कॉल सेंटर काम करेगा, जिसका नंबर होगा 1075, जो कि एड्रेस करेगा क्वेरीज जो भी पेंडेमिक से रिलेटेड या फिर वैक्सीन रोल आउट से रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो ये इस नंबर पे आप कॉल करके इसमें आप अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के द्वारा। नेक्स्ट है यूनियन यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हरीश वर्धन ऑन फ्राइडे सेट एडिक्वेट डोजेज, जो भी एडिक्वेट डोजेज ऑफ बोथ वैक्सीन, दो दो वैक्सीन को यहाँ पे अप्रूवल मिला है, जैसा कि हम जान रहे हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ठीक है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो कि हैदराबाद और पुणे के जो इंस्टीट्यूट है के सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे का है और भारत बायोटेक जो हैदराबाद का है, वहाँ से ये दोनों वैक्सीन को अप्रूवल मिली। तो दोनों वैक्सीन को किस कितने डोजेस दिए जाएंगे इसके बारे में, एडिक्वेट डोजेस दोनों से दिए जाएंगे, बोथ हैज बीन डिलीवर्ड अक्रॉस द कंट्री, पूरे कंट्री में ये डिलीवर्ड किए जाएंगे। ही रिव्यूड द फंक्शनिंग ऑफ द कोविन सिस्टम, कोविन ऐप है, ठीक है, द ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है दैट विल बी यूज टू ड्राइव द वैक्सीनेशन प्रोग्राम, द वैक्सीनेशन ड्राइव वेयर द बेनिफिशरीज करेंटली विल नॉट हैव ए चॉइस बिटवीन द टू वैक्सीन हैव बीन प्लांड इन ए फेस्ड मैनर आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रायोरिटी ग्रुप्स द मिनिस्ट्री सेड। मिनिस्ट्रीज ने बोला कि जो प्रायोरिटी ग्रुप है उसको पहले ये वैक्सीनेशन दिया जाना है प्लांड मैनर में, ठीक है, जो कि आइडेंटिफाई किए जाएंगे। हेल्थ केयर वर्कर बोथ इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं जो कि प्राइवेट में हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो, दोनों को इंक्लूड किया जाएगा, इंक्लूडिंग इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस वर्कर, जो भी चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस वर्कर है उनको इंक्लूड किया जाएगा। विल रिसीव द वैक्सीन इन द फर्स्ट फेज, जो फर्स्ट फेज जो वैक्सीन दिया जाना है उसमें जो हेल्थ केयर वर्कर हैं जो प्राइवेट से हो या फिर गवर्नमेंट से हो और चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस वर्कर हैं उनको ये वैक्सीन दिया जाना है। आगे पॉलिसी क्लाउड डिक्लाइज ब्राजील वैक्सीन फ्लाइट, क्या है कि ए स्पेशल प्लेन फ्रॉम ब्राजील टू कैरी द फर्स्ट एक्सपोर्ट्स ऑफ कोविशील्ड द इंडिया मेड कोरोना वायरस वैक्सीन वॉज डिलीवर्ड ऑन फ्राइडे एम्ड कन्फ्यूजन ओवर क्लियरेंस फॉर द शिपमेंट ऑफिशियल्स हियर सेड। तो यहाँ पे बोला गया कि जो इंडिया मेड जो कोवैक्सीन है उसका फर्स्ट एक्सपोर्ट भी किया गया एक स्पेशल प्लेन फ्रॉम ब्राजील, ठीक है, ब्राजील में वैक्सीनेशन जो इंडिया के द्वारा ही दिया जा रहा है। द फ्लाइट ड्यू टू लीव ब्राजील ऑन थर्सडे एंड रिटर्न ऑन सैटरडे विल 2 मिलियन डोजेज ऑफ द वैक्सीन will put off, the Brazilian Ministry of Health announced citing logistical and licensing issue. कुछ logistical और licensing issue के कारण ये नहीं हुआ, लेकिन हमने ये भी पहल की है कि हम दूसरे देशों को भी यहाँ help करेंगे वैक्सीन देने के लिए। तो बट यहाँ जो important अभी है कि किन किन को मिलना है वैक्सीन और किन किन को नहीं मिलना है, ये यहाँ important है और हमें जानना जरूरी है, क्योंकि हम जान पाएंगे कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, हम इस कैटेगरी में आ रहे हैं नहीं लेने वाले में या लेने वाले में, तो जानना भी जरूरी है ताकि हम जान पाएं कि हमें वैक्सीन लेना है या नहीं लेना है, ठीक है, ताकि उसका कोई साइड इफेक्ट ना हो सके। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, एक छोटा सा लेक्चर था जो कि बनाना बहुत ज़रूरी मैंने समझा, ताकि आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज हो सके, और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे और वो जान पाए कि वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और लाइक करने के साथ सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एंड बी सेफ।